खुल रहो कि हम लोग उनके खिलाफ नफरत फैलाने के लिए एकदम निकल आए हैं तलवार लेके सड़क। खुद रहो कि आग लगाई जा रही है, खुश रहो कि बर्बादी हो रही है। मैंने तो कहा भाई भाई भाइयों, तुमने हिंदुस्तान में जो वायरस फैला रखा है वो वायरस कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक है, वो वायरस है हिंदू मुसलमान का। शहीद यादव भगत सिंह ने, शहीद अल्फाफ उल्ला ने, शहीद रोहन सिंह ने, शहीद राजेंद्र लहरी ने, शहीद रामप्रसाद बिस्मिल ने, शहीद यादव भगत सिंह ने, शहीद अल्फाफ उल्ला ने, शहीद रोहन सिंह ने, शहीद राजेंद्र लहरी ने, शहीद रामप्रसाद बिस्मिल ने। एनपीआर में क्या पूछ रहे हैं, आपका जन्म कब हुआ था, कहां हुआ था, आपके दादा कौन थे, परदादा कौन थे, उनका घर कहां था, उनका जन्म कहां हुआ था। भाजपाइयों से भी भाजपाइयों, तुमने हिंदुस्तान में जो वायरस फैला रखा है वो वायरस कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है, और वो वायरस है हिंदू मुसलमान का वायरस, हिंदू मुसलमान का वायरस। और उस वायरस में ऐसा आपको उलझा रखा है, आपको अपनी चिंता नहीं होती, वो वायरस आपके दिमाग में और शरीर में ऐसे काम करता है, आपको इस बात की चिंता नहीं होती कि हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही, हमको पीने का साफ पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमको बिजली सस्ती मिल रही है कि महंगी मिल रही है, 250 रुपए किलो प्याज मिल रहा है, 150 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, आपको इसकी चिंता नहीं होती। आपको क्या बताया जाता है, खुश रहो कि मुसलमान बर्बाद हो रहा है, खुश रहो कि हम लोग उनके खिलाफ नफरत फैलाने के लिए एकदम निकल आए हैं तलवार लेके सड़क, खुश रहो कि आग लगाई जा रही है, खुश रहो कि बर्बादी हो रही है। अरे इस देश में अपनी चिंता करना शुरू करो, खुद की चिंता करना शुरू करो। जो लोग आपसे मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने की बात करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए बात करते हैं, जो लोग इस देश को दंगे फसाद में उलझाने की बात करते हैं, जिस दिन हिंदुस्तान का आदमी उनसे ये पूछने लगेगा कि बताओ हमारे बच्चे की शिक्षा का क्या इंतजाम तुमने किया, बिजली का इंतजाम क्या तुमने किया, पानी का इंतजाम क्या तुमने किया, बताओ थानों का भ्रष्टाचार कब रोकोगे, प्रदेश की कानून व्यवस्था कब ठीक करोगे, जिस दिन आप ये सवाल पूछना शुरू करेंगे ये नफरत फैलाने वालों की दुकान अपने आप बंद हो जाए। लेकिन आपको तो उन सवालों से कोई मतलब नहीं, आपको इन्हीं नकली सवालों में उलझा रखा है और ये साजिश के तहत उलझा रखा है। आपको पता नहीं है आपकी जेब कट गई, आपको पता ही नहीं है कि आप बर्बाद हो चुके हैं और कैसे बर्बाद हो चुके हैं। मैं यहां बैठे हुए बहुत पढ़े लिखे लोग, अगर मैं आपसे कह दूं कि 10.5 लाख करोड़ रुपए लिख के दिखाओ तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं यहां बैठा हुआ कोई आदमी 10.5 लाख करोड़ रुपए ले नहीं पाएगा, इतने जीरो लगाने पड़ेंगे। और आपको मालूम है ये 10.5 लाख का आंकड़ा मैं क्यों बोल रहा हूं, ये आंकड़ा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हिंदुस्तान के चंद पूंजीपतियों ने आपका जो पैसा आपके बैंकों में जमा किया था, सरकारी कर्मचारियों ने जमा किया था, नौजवानों ने जमा किया था, किसानों ने जमा किया था, माताओं बहनों ने जमा किया था, छोटे व्यापारियों ने जमा किया था, वो बैंकों में जमा पैसा 10.5 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों ने निकाल लिया है और वो पैसा, वो कर्जा बैंकों को वापस नहीं लौटा है। क्या आपको पता है, ये पता है कि आपकी जेब कट चुकी है, आप बर्बाद हो चुके हैं। आप यस बैंक जब डूबता है तो सड़क पर चिल्ला के निकल आते हैं, आप पीएमसी बैंक में जब घोटाला होता है तो आप सड़क पर निकल आते हैं, पीएमसी बैंक का जब घोटाला होता है तब आप सड़क पर आंदोलन करने के लिए, रोने के लिए निकल आते हैं। नहीं, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, सारे बैंक बंद होंगे क्योंकि 10.5 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों ने आपका लूट लिया। आप तो नाम सुनते रहे होंगे, मलखान सिंह डकैत, मान सिंह डकैत, परसाती डाकू हमारे यहां था सुल्तानपुर में, सुनते रहे कि नहीं सुनते, सुनते कि नहीं सुनते, परसाती डाकू की नौटंकी भी बोल रहा हूं, देखे आप ना, देखे आप, हर अमीरों के घर में जमा है रकम। अब वो परसाती डाकू नहीं है जो आपके घर का 2-4 हजार रुपए लूटेंगे,
अब ऐसे डकैत नहीं है जो दो चार पांच लाख रुपए की डकैती करेंगे, दस बीस लाख की डकैती करेंगे। अब ऐसे डकैत नहीं है जो आके आपका ग्रामीण बैंक लूटेंगे और एसबीआई लूटेंगे और दस बीस लाख रुपए लूटकर चले जाएंगे और उनका पुलिस वाले इनकाउंटर कर देंगे। अब तो ये कहावत चल रही है हिंदुस्तान में कि अगर आपके पास पिस्टल है तो आप बैंक लूट सकते हैं और अगर आपके पास बैंक है तो आप सबको लूट सकते हैं। लूट सकते हैं कि नहीं लूट सकते? एक बैंक खोल लीजिए, सबका पैसा जमा कर लीजिए और वो पैसा लेके भाग जाइए। गलत तो नहीं कह रहा? तो इसलिए आज हिंदुस्तान के चंद पूंजीपतियों ने बैंकों से 10.5 लाख करोड़ रुपए आपका निकाल लिया है। ये बड़ा सवाल है। आप कंगाल हो चुके हैं, अभी आपको पता नहीं चल रहा है, धीरे धीरे पता चलेगा। जैसे नोटबंदी में आप लोग खुद से जिसने 1,03,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले रखा है, उस डकैत का नाम है वेदांता ग्रुप। जिसने 1,01,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले रखा है, उस डकैत का नाम है अडानी ग्रुप। जिसने 96,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले रखा है, उस डकैत का नाम है जेपी ग्रुप। जिसने 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले रखा है, उस डकैत का नाम है लैंको ग्रुप। जिसने 58,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले रखा है, यानी चंद पूंजीपतियों ने 10,55,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले रखा है। अब आपको समझ में आ रहा है? यहां बैठा हुआ कोई आदमी, मैं कह रहा हूं इस कमरे में जो बैठा है, किसी ने 1 करोड़ रुपए का भी कर्जा लिया है? लिया है किसी ने? हाथ उठा के बताइए कर्जा लिया और बताइए। नहीं लिया ना आप लोगों? और अगर आपने 2 लाख रुपए का भी कर्जा लिया होगा और अगर आपने उसको 3 महीने 4 महीने नहीं चुकाया तो आपके घर में तहसीलदार पहुंच जाता है, आपका ताला पकड़ के हवालात पे बंद कर देते हैं, आपकी लिस्ट बैंक में लगा दी जाती है, आपकी लिस्ट तहसील में लगा दी जाती है, आपको समाज में बदनाम कर दिया जाता है। लेकिन ये जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं जिन्होंने आपका 10.5 लाख करोड़ रुपए लगा रखा है, मैंने तो कहा योगी जी अगर हिम्मत है तो पोस्टर इनके लगाओ पूरे देश में, जिन्होंने देश की जनता की डकैती कर। आप पोस्टर लगा रहे कि लखनऊ में किसने आंदोलन किया किसने नहीं किया? अरे हिम्मत है तो इन बेईमानों की पोस्टर लगाओ, इन डकैतों के पोस्टर लगाओ, जो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, जो 450 कमरे के मकान में रहते हैं, जो हजारों कर्मचारी अपने यहां नौकर पे रखते हैं, हर फ्लोर पे उनके गाड़ी जा सकती है, घर के ऊपर हेलीकॉप्टर उतर सकता है, घर के अंदर स्विमिंग पूल बना हुआ है, इन डकैतों की पोस्टर लगा के दिखाओ अगर वाजपेयियों में हिम्मत है तो। और इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये बेईमान तो पोस्टर नहीं लगाएंगे, क्योंकि यही पूंजीपति हैं जो भाजपाइयों को चंदा देते हैं, भाजपाई इनसे दलाली खाते हैं, इनकी दलाली को आपको उजागर करना पड़ेगा। तो हिंदू और मुसलमान को अगर मिलकर लड़ना है तो अपने जो 10 लाख करोड़ रुपए की लूट हुई है, 10.5 लाख करोड़ की, इसके खिलाफ आप निकलो, बेरोजगारी के खिलाफ आप निकलो, किसानों के सवाल पे आप निकलो, महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पे आप निकलो, अस्पतालों के सवाल पे आप निकलो, खाने के भ्रष्टाचार के सवाल पे आप निकलो, अपने सवाल पे जब आप लड़ना शुरू करोगे तो ये लड़ाने वाले अपनी दुकान बंद करके हिंदुस्तान से भाग जाएंगे। मैं ये आपको कहना चाहता हूं, आपको एनपीआर में उलझा रखा है, एनआरसी में उलझा रखा है। आपको पता है एनपीआर एनआरसी क्या है? एनपीआर में क्या पूछ रहे हैं? आपका जन्म कब हुआ था, कहां हुआ था, आपके दादा कौन थे, परदादा कौन थे, उनका घर कहां था, उनका जन्म कहां हुआ था। अरे भाई 72 साल हो गए आजाद हुए, इस आजादी को दिलाया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, शहीद आजम भगत सिंह ने, शहीद अशफाक उल्ला ने, शहीद रोशन सिंह ने, शहीद राजेंद्र लहरी ने, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल ने। इस आजादी को दिलाने के लिए हिंदू और मुसलमान सब ने अपनी गर्दनें कटवाई और आज 72 साल के बाद हमारे ही देश में हमसे ही तली पर पूछता है कागज लेके आओ, हम कोई कागज आपको नहीं दिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।